भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने सीमा विवाद को सीरियस इशू बताया। उन्होंने बताया कि दोनों देश शांति पर सहमत हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन को एलएसी का सम्मान करना चाहिए। एलएसी पर अभी भी चीन की सेना मौजूद है। अप्रैल में चीन ने एलएसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ाई। मई में चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की और 15 जून को गलवान में चीन ने हिंसा फैलाई। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांतिपूर्ण बातचीत से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है और इसके लिए दोनों देश शांति पर सहमत हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत के सैनिकों ने बलिदान दिया, जिस तरह से भारतीय जवानों ने सुरक्षा की और जिस तरह से जवानों ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, उस पर हमें गर्व है। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीनी सैनिकों का रवैया बहुत हिंसक था। चीन ने कई समझौतों का उल्लंघन किया। राजनाथ सिंह ने चीन के घुसपैठ की हर तस्वीर पेश करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने चीनी सेना की दो मुहे कैरेक्टर की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने बताया कि चीनी सेना ने एलएसी के अंदर बड़ी तादाद में जवानों और हथियारों को तैनात किया। राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक की हर बात बताते दिखे। 15 जून की रात गलवान घाटी में क्या क्या हुआ, रक्षा मंत्री ने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात समझाई। उन्होंने भारतीय जवानों की शहादत की बात मान ली। चीन की तरफ से 29 और 30 अगस्त की रात क्या हुआ था, राजनाथ सिंह ने इसके बारे में भी बताया। 29 और 30 अगस्त की रात पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में चीन ने स्टेटस बदलने की साजिश की थी। इसके बाद भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस वक्त सीमा पर भारी तादाद में चीनी टैंक, तोप, हथियार और सैनिक तैनात हैं। ये करके चीन ने 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन किया है। रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि हमारी सेना सभी समझौतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जवानों ने हर स्थिति से बखूबी निपटा है और सरकार जवानों के साथ खड़ी है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने इलीगल कब्जा कर लिया है। साथ ही 1963 में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 स्क्वायर किलोमीटर की भारतीय जमीन गैर कानूनी तरीके से चीन को दे दी थी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।